देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कोई भी फैमिली जिसमें तीन बच्चे हो, साथ में उनके माँ बाप हो, उनकी दादी हो, उनको पकड़ लेना। चलो मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कहां थी तुम? सॉरी राजीव, बाद में बता दूंगी लेकिन अभी नहीं। मैं तारा को सुला दूं? जगत माता है ना, तू आज हमारे साथ क्या करना चाह रही थी? तू 7 साल जेल में दिन रात तेरे से सिर्फ चंदा की खुशी मांगी, उसकी बढ़ाई की दुआ की। आज तुम्हारी चंदा कुमारी से दूर करने वाली थी, चंदा थारे बापू में जब तक जाने ना, थारे को अपने से अलग नहीं होने देगा। थारे को हमारे से कोई नहीं छीन सकता, ये जगत माता भी नहीं। चंदा चंदा चंदा, जब से आया है बस यही दिखे तने, मारी तरफ एक नजर ना देखा तू। ध्यान से सुन ले, जो मर्जी चाहे कर ले, मैंने भी 7 साल बस एक ही सपना देखा है। हर रोज इब मारा वो सपना तू पूरा करेगा। सुना तूने? मारा सपना तू पूरा करेगा। सपने खातिर सच्चाई से दूर भागने की आदत नहीं है मेरी गौरी, वरना हाथ में जो है ना वो भी माटी हो जाएगा गौरी। पुलिस के हवाले कर दूंगा खुद को। हो गया तू है अम्मा, बोल इसको। गोपाल, तारा दिमाग खराब हो गया के? इतनी मेहनत करके कौरी ने तने पुलिस से बचायो है, गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया तारे खातिर, और तू? अम्मा, पुलिस की गोली ना बच्चा बढ़ा नहीं देखा करती। बापू, गाड़ी से चंदा ने कुछ नहीं होगा। तेरा बापू जब तक जिंदा है ना, थारे को कुछ होने भी नहीं देगा। थारे अंदर थारे बापू की जान बसी हुई है, इसलिए थारे को छोड़ के जा रहा है। जा रहा हूं? ए, मारी बात सुन, मारे को गुस्सा ना दिला कुपाय। तू कहीं नहीं जावेगा, सुना तूने? अम्मा बोल इसको। तू कहीं क्या कर रहा है तू? गोपाल, गोपाल बाहर पुलिस से तू? गोपाल, अम्मा गोपाल क्या कर रहा है तू? गोपाल, गोपाल, गोपाल रुक, गोपाल। ये क्या किया माँ? मन्नत पूरी भी की तो ऐसे क्यों? क्यों किया मेरी बेटी को मुझसे दूर किया? भी तो अब क्यों बताया कि तारा मेरी बेटी नहीं है, चंदा मेरी बेटी है, और वो वहां उन चोरों के साथ जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है। माफ कीजिएगा, ये कर रहा है गोपाल? तू पुलिस को फोन नहीं करेगा गोपाल? हाँ, लड़ी खड़ा। हाँ, वो जिस साफा गैंग के ठगों को ढूंढ रहे हैं ना,
वो यहाँ माता के पुराने मंदिर के आगे खड़े हैं। पीछे की तरफ से आना। सात साल पहले जिसे अपनी बेटी माना, जिसे अपना खून समझ के इतना प्यार दिया, उसे कैसे बताऊंगा कि वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी ये हालत है तो इस मासूम का दिल कैसे तोड़ूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तारा के माता पिता हैं कौन। हाँ, और टेम्पो में भाग रहे हैं वो। टेम्पो का नंबर है 1738। हाँ, जल्दी आना। क्या कर रहा है? क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया? सबकी खातर गौरी, सबकी खातर, अपनी चंदा खातर। चंदा, मेरी अपनी बेटी, मेरा अपना खून, उसे मुझसे दूर क्यों किया आपने माँ? क्यों? चंदा की खातिर सब खत्म कर देगा तू, हम सबने दूर कर देगा। मेरी कोख से जन्म दिया है मैंने उसे, तो आपने उसे मेरा क्यों नहीं बनने दिया? मारी कोख से ना जन्मी के चंदा, उन सब की खातिर ही तो भागी है ना गोपाल। क्यों भागने दिया आपने उसे? अब कैसे देखूं उसे, कहां देखूं, कैसे मिलूं अपनी बेटी से मैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी चंदा कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। जा रहा? हाँ बाबू। ले स्टीयरिंग पकड़, गाड़ी चला और मजा आएगा। अक्कल बेच खाई है तने? गोपाल मैं कह रही हूँ, बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है तू। जिस गलती से सब ठीक हो गौरी, वो गलती गलती नहीं होती। बहुत हो गया है सब, और मुसीबत में नहीं डाल सकता मैं। सबके लिए यही एक रास्ता है, चंदा की जान मुसीबत में नहीं डाल सकता, समझ इस बात को। सिर्फ चंदा ही दिखे तने? हाँ, इसके खातिर हम सबको मार देगा तू। कर ले। जल्दी करो। यही है वो टेम्पो, सेम नंबर, इसी में चलना, तेज चलाओ, आज बच के नहीं जाने चाहिए। जेल में मर मर के चिड़ा कोई चिड़ा ना होवे, सब कुछ खत्म हो जाएगा गोपाल। कपड़े खत्म, जिंदगी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तारी को समझ में ना आ रहा? गौरी जो होवे से ना, माता रानी की मर्जी से होवे, जो होके रहेगा। आज मेरी दोनों बच्चियों को उसकी माँ की जरूरत है। तारा के पास तो मैं हूँ, लेकिन चंदा के पास आप हो माता रानी, आपको उसे संभालना होगा। और मैं जानती हूँ उसकी रक्षा आप जरूर करोगे, उसे कुछ नहीं होने दोगे। इस बार तो भाभी ने जो आपके साथ किया है ना, आपको नहीं लगता भैया कि पानी सर से ऊपर जा रहा है? रंजनी बेटा, ऐसा तो होना ही था ना, तारा के आते तो रंग ही बदल गए इसके।
कहना सुनना मानना सब छोड़ दिया, जैसे कि घर में बस यही है सब कुछ और कोई कुछ नहीं। पहले तो मैंने सोचा कि जाने दो, अभी अभी माँ बनी है, क्यों पलट के कुछ बोलूं, पर नहीं, ऊपर से तुम भी चुप थे। लेकिन इसका नतीजा देखा तुमने, सर पे चढ़ के बैठ गई है, मतलब इसे जो करना है वो करेगी, कोई पूछ नहीं सकता इसे। अब ऐसी होती है क्या घर की बहू? ऐसे ये सब तारा की वजह से हुआ है। तारा के लिए मैंने 7 साल अपना मुंह बंद रखा है, वरना मैं चाहता तो अमृता को उसी दिन घर से निकाल देता जिस दिन उसने आपका हुक्म मानने से मना किया था, पर नहीं कर पाया। तारा के लिए, उसके प्यार के लिए, उस फीलिंग के लिए जो मुझे उस दिन आई थी जब मैंने पहली बार उसे अपने हाथों में पकड़ा था। पर भैया तारा तो अभी अभी आई है हमारी जिंदगी में। But I'm sorry to say that भैया, जब भाभी प्रेग्नेंट थी ना तभी भी आप उनकी बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। हाँ करता था, माँ को वारिस चाहिए था घर का, और उस वारिस के लिए I made sure कि सब कुछ ठीक हो और बच्चा घर में आए। और अमृता, हाँ मैं उससे प्यार करता था, और तभी तो हमने शादी की, लेकिन वो शायद प्यार था ही नहीं, पर अभी तो कहीं खत्म हो गया। लेकिन तारा मेरी बच्ची, वो नन्ही सी जान, उसका प्यार कुछ अलग ही है। अरे आंसू उसके आते हैं और पेन मुझे होता है। उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए जान दे भी सकता हूँ। और अमृता इसी चीज का फायदा उठा रही है, मनमानी कर रही है वो, आप सबको ह्यूमिलेट किया उसने आज, और मुझे भी। मैं चाहूं तो उसे अभी इसी समय धक्के देके घर से निकाल सकता हूं, डिवोर्स देके रिश्ता खत्म कर सकता हूं मैं, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ साथ मेरी तारा भी मुझसे दूर हो जाएगी, और कोर्ट जो है वो बच्ची की कस्टडी हमेशा माँ को देता है, मैं तारा के बिना नहीं जी सकता, तारा मुझसे दूर नहीं हो सकती, और इसीलिए तो मैं अमृता को सहन कर रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं उसे, आज भी किया, सिर्फ और सिर्फ तारा के लिए। आज नहीं बचने चाहिए ये। इन्होंने तो सरेंडर करने के लिए बुलाया ना हमें, तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? जल्दी करो, पकड़ो इन्हें, इसमें चंदा है। चंदा,
चंदा, चंदा चंदा माँ, अमृता की बेबी है? हाँ जी, उनकी बेटी है। अम्मू की बेटी, छोटी अम्मू। तू घर जा जल्दी। पर चंदा, मैं हूं ना, भरोसा रख। तू घर जा और तारा को संभाल। मैंने सपना देखा मम्मा, आपने मुझे छोड़ दिया, भेज दिया मुझे दूर आपसे। सॉरी मम्मा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी, बट प्लीज अब मुझे छोड़ना मत। अब अम्मू को क्या बोलूंगा, पति का प्यार तो मिला नहीं उसे, और अब बेटी भी। मामा कहीं नहीं जा रही है बच्चा, मामा यही है आपके पास, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी मामा। तुम थी कहां और फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? क्या करूं, राजीव को चंदा का सच बता दूं? पर वो भरोसा करेंगे मेरी बात पर? जैसे मैं चंदा की माँ हूं, वैसे राजीव उसके पिता। राजीव को सच बताना मेरा फर्ज है और सच जानना राजीव का हक। मैं राजीव को सच बताऊंगी, अपना फर्ज पूरा करूंगी, एक पत्नी का भी और एक माँ का भी। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ राजीव। Go on, I'm waiting. जिस दिन तारा का जन्म हुआ था, उसी दिन उसी वक्त वहाँ एक और बच्ची ने जन्म लिया था, चंदा ने। चंदा के कान के पीछे एक चांद जैसा निशान है, बर्थ मार्क। मुझे भी आलोक भैया ने आज ही बताया, क्योंकि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी, उस दिन सबसे पहले हमारी बच्ची को आलोक भैया ने देखा था। भैया ने मुझे पहले भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था, क्योंकि उस वक्त एक माँ को अपनी ममता पर भरोसा ज्यादा था, ना कि अपने भाई की जुबान पर। तुम कहना क्या चाह रही हो? जो बोलना है वो बोलो। मामा एक सेकंड, मैंने तुमसे ऊपर कुछ पूछा था, मुझे उसका जवाब चाहिए। तुम थी कहाँ? वही तो बता रही हूँ राजीव, 7 साल हो गए इस बात को। 7 साल बाद उस बच्ची को ढूंढना है जिसका जन्म तारा के साथ हुआ था, और अब जो मैं बताने जा रही हूँ, पता नहीं उस बात पर आप लोग कैसे यकीन करोगे कि उस रात दोनों बच्चियां आपस में बदल गई थी और हमारे पास चंदा की बजाय तारा आ गई। Are you mad? तुम सुन भी रही हो क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमारी बेटी, मेरी तारा मेरी बेटी नहीं है? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हारा वो पुलिस वाला भाई, उसकी बातें, उसकी मनगढ़ंत कहानियां, वो सब सुन के। And don't you ever think कि ये सब यहां पे चलेगा? नेवर। दोबारा तुम्हारे मुंह से
ऐसी बात निकलने नहीं चाहिए। तारा मेरी बेटी है, मेरी जान है और हमेशा रहेगी। अजीब, मैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें इतना घिनौना बहाना बनाते हुए। और नहीं तो क्या भाभी, सची तो कह रही है माँ, अगर देर से आने की हिम्मत है ना तो सच बोलने की भी हिम्मत रखा करिए भाभी। आपको शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची तारा को आप यूज कर रही हैं अपने आप को बचाने के लिए। बस दीदी, ओ कम ऑन। और नहीं, ये जो भी मैंने बोला है वही सच है। सच यही है कि साफा गैंग में पली बड़ी वो बच्ची हमारी बेटी चंदा है। सच यही है कि तारा हमारी बेटी जरूर है, लेकिन हमारा खून नहीं, हमारा खून चंदा है राजीव। मैंने तुम्हें मना किया था, ये बात दोबारा मत करना। सच सच जानना है ना तुम्हें? सच सिर्फ ये है कि तारा मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। एक और सच सुन लो, तारा ही मेरी वो बेटी है जिसकी वजह से आज भी तुम मेरे साथ हो। अरे वरना तो कब का डिवोर्स दे दिया था मैंने तुम्हें।